एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर है 8। जो फंक्शन हमें दिया गया है वो है नेचुरल लॉग, फिर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही स्टेप्स हमने लेने हैं जो पहले किए थे। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड लेफ्ट साइड बन जाएगी f प्राइम ऑफ x। राइट साइड पे हमने कहा था जब भी नेचुरल लॉग की का डेरिवेटिव लेंगे हम तो जो भी उसके अंदर ब्रैकेट होगी वो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 ओवर ब्रैकेट और ब्रैकेट में हमारे पास जो था वो वैसे ही लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, और वही देखिए जो ब्रैकेट में था वो हमने लिख दिया। अब इस ब्रैकेट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा, पावर 1 ओवर 2 है तो 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 ओवर 2 में से माइनस 1 हो जाएगा, वो बन जाएगा माइनस 1 ओवर 2। एंड देन क्या होगा, जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसका डेरिवेटिव लेंगे वो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 ओवर स्क्वायर रूट है वो हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, ये जो 2 है पहले लिख लेंगे और फिर ये जो पावर ऊपर माइनस से नीचे आके प्लस हो जाएगी और हमारे पास ये बन जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ई टू एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ई टू एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x। अब जब डेरिवेटिव इस टर्म का लेंगे तो वो क्या होगा, ई टू एक्स का डेरिवेटिव होगा ई टू एक्स और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, इसी तरह प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x वैसे ही लिखेंगे और पावर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर क्या माइनस 2x, माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2 दोनों में कॉमन है तो वो बाहर ले आएंगे और ऊपर बचेगा ई टू एक्स, ये प्लस माइनस है मल्टीप्लाई होकर माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x। नीचे हमारे पास ऑलरेडी एक 2 है तो वो 2 लिख देंगे, इसी तरह दोनों ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x है, दोनों बेसिस सेम है, पावर एक की हाफ है दूसरे की हाफ है, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, तो नीचे हमारे पास बन जाएगा ई टू एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, नीचे बचेगा ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, एंड यही हमारा आंसर है। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आप ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x ओवर ई रेज़ टू पावर 2x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x को देखेंगे तो ये हमारे इक्वल बनता है tan हाइपरबोलिक और जो ई की पावर है, ई की पावर क्या है 2x, तो h 2x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।